वकास को ढूंढ के ला सकती हूँ। कौन वकास? जिससे मैंने निकाह कर लिया था। मैं रिमी को खुला दिलवाऊंगी क्या? मैं रुखसती करने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगाऊंगी। जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरे हम सफ़र ज़बरदस्त ड्रामा, घरेलू सा, बड़ा अच्छा सा, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ ही ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। छोटी सी रिक्वेस्ट, मासूम सी रिक्वेस्ट ये कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, इसके अलावा फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करना, मुझे फॉलो भी कर लेना। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल जो मेरे हम सफ़र है, इसकी स्टोरी भी डिफरेंट थी, अच्छा है ये ड्रामा, मगर अब रूमी के ऊपर सारा डिपेंड कर रहा है क्योंकि रूमी साहब पकड़ी गई हैं और अब आखिरकार हाला जो है उसे घर लेके आई तो उसे पता चला क्या गुल खिला चुकी है रूमी, क्योंकि रूमी की अम्मी ने कभी ध्यान नहीं दिया, उन्हें पता ही नहीं है मामा की क्या फ्राइज है, कुछ भी नहीं उसे पता। इसी वजह से वो ये सब कुछ कर बैठी है और वकास को ढूंढ रही है, वकास साहब गायब। तो दोस्तों, इसी वजह से बड़ी परेशानियाँ हैं, मगर अब आपको बताएं फिर से ऐसे जोश और जज्बे से कह रही हैं, यानी कि जो है शाहजहाँ मैडम वो इस तरह से कह रही हैं कि जी बस जो भी है अपना इस तरह से है कि मैं इसे तलाक दिलवा दूँगी। तो इसी वजह से हमजा को बड़ा गुस्सा आया और हमजा कह रहा है कि मतलब ये कोई मजाक है, ये कुछ छोटी बात है कि तुम तलाक ले लो, तुम उसको तलाक दे दो या उसकी शादी उससे कर दो, शादी तलाक ये मजाक नहीं है। ये हमजा समझा रहा है अपनी अम्मी को और इसी वजह से जो उसकी मामा है वो भी अपसेट है और बड़े गुस्से में उसकी तरफ देख रही है, लेकिन अब वो यही कह रहे हैं कि रुखसती होगी रूमी की तो इसी लड़के के साथ और आप चुपचाप बैठी रहेंगी खामोश, बिल्कुल भी कोई बात नहीं करेंगी। वैसे ज़बरदस्त फैसला है उसका, क्योंकि वो यही समझ रहा है कि मेरी मामा की ही गलती है, चाहे मेरा रिलेशन ख़राब करें चाहे रूमी का जो भी सारा मसला है इसमें भी। तो देखते हैं दोस्तों अब कैसे ये ड्रामा मज़ीद आगे बढ़ेगा, क्या क्या मज़ेदार किस्म के इसमें टर्न आने वाले हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।